राजस्थान के सीकर के लोसल थाना इलाके के खूड गांव में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खूड में ज्वेलरी की दुकान में काम करने वाले हनुमान सोनी पर दुकान के मालिक सत्यनारायण ने जेवरात चोरी का आरोप लगाया। हनुमान ने जब चोरी की बात कबूल नहीं की तो बीती रात उसका अपहरण कर लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद सत्यनारायण, भंवरलाल और पप्पू नाम के लोगों ने मिलकर उस पर पेट्रोल डाल दिया। इसी दौरान किसी ने बीड़ी जलाई और पेट्रोल ने आग पकड़ ली। आग में हनुमान बुरी तरह झुलस गए। पुलिस के मुताबिक हनुमान का बयान दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, जबकि हनुमान का इलाज कर रहे डॉक्टर का यह कहना है कि उसकी हालत काफी नाजुक है।